एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड रिया। तो मैं थोड़ा ना एक आध दो दिन की वजह से प्रॉब्लम में थी कि मतलब मेरा वीडियो बन ही नहीं पा रहा था। कल भी मैंने बनाने की पूरी कोशिश की, तो कल रिया का ये सेक्शन चेंजिंग का, इनकी इनकी जो मेरी ये रिया का ना सेक्शन चेंज हो गया, ये इतनी दुखी हो गई कि कल ये पूरा रो रही थी सुबह से, जब से वो आई थी दोपहर टाइम से स्कूल से। तो मतलब ये था कि सेशन के बीच में आपको ना सेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। आपको करना था तो आप स्टार्टिंग में, जब फोर्थ क्लास में बच्चा आया था उस टाइम पे आप कह देते कि भाई सब बच्चों के इनके रेंडमली हम ऐसे सेक्शन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्या लास्ट टेस्ट हो रहे हैं। बच्चा हर बच्चा छोटा है, बच्चा हम बड़े हैं, हम सेट हो जाएंगे एक बारी, पर बच्चा तो ना मेंटली टीचर के संग भी अटैचमेंट हो जाता है उसका। तो फिर ये चीजें ना बहुत बच्चे को ना पढ़ाई के समय पे आपने माहौल ही बिगाड़ के रख दिया। तो यहाँ पर मैं दीवान कवर और सोफे वगैरह के कवर को ना बहुत गंदे हो गए थे, तो धुलने के लिए निकाल रही थी। यहाँ पर गाइज मैं बर्तन सेट कर रही थी बर्तन स्टैंड में, क्योंकि कल तो रिया के साथ ही रह गई, बहुत रो रही थी सेक्शन चेंज की वजह से, इसलिए आज कर रही थी। कल आज थोड़ा थोड़ा ये बच्चों ने खाया, ये रसगुल्ला है, ये हमारी तरफ की, खासकर मेरे मम्मी के मायके तरफ की डिश है। तो ये यहाँ मैं सैंडविच बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो रिया भी अपना सैंडविच, चीज़ सैंडविच बना रही है। यहाँ मुझे बहुत भूख लगी थी, रिया बोली मैं आपके संग ब्रेकफास्ट करूँगी मम्मी, तो मेरा वेट कर रही थी, फिर मेरे साथ वो भी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो यहाँ रूटीन का वही काम, बस सब्जियाँ आई थी तो उन्हें साफ़ करके धो के रखना था, आलू प्याज वगैरह स्टैंड में जमाने थे। तो यहाँ लंच बना रही थी मैं, लंच में आलू के पराठे बनने थे, सबको आलू के पराठे और दही खाने का मन था, बस मैं वही बना रही थी। फिर यहाँ सबको लंच कराने के बाद मैंने भी अपना लंच किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट रिया को लेके बैठ गई, क्योंकि उसका सेक्शन चेंज हुआ था, इस सेक्शन में कितने चैप्टर हुए हैं। तो एक लड़की है, रिया की फ्रेंड है, वो सी सेक्शन में है, उसकी कॉपी मंगा के सारा मिलाया कि कैसे क्वेश्चन इन वाली टीचर ने किए, कैसे क्वेश्चन वो उनने कराए हैं, बहुत ही मतलब सर दर्द का काम ही होता है, पता नहीं क्यों प्रिंसिपल के दिमाग में क्या चल रहा है, पर खैर पढ़ाई तो करवानी है बच्चों। फिर यहाँ बच्चों को दूध बना के देना था, तो मैंने सोचा दूध की जगह मैंगो शेक ही बना के दे दूँ, तो मैं वही बना रही। ये सब काम निपटाते हुए दूध दूध देके फिर मुझे मार्केट का थोड़ा काम था, तो बस मैं मार्केट गई थी। मार्केट जाते समय ही बच्चों ने बोल दिया था मम्मी चाउमीन खानी है, तो मैं आते ही साथ ही ना उसमें लग गई, और नूडल्स मैंने बॉयल करने एक साइड रखे, एक साइड वेजिटेबल कट करके रख दी सारी। बस थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लेकिन बस सोच लिया था तो फिर इतना कुछ नहीं लगता, हो जाता है। तो चाउमीन बन गई, और सबने ही डिनर में हम लोगों, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, सबने नूडल्स ही खाए रात में, वेज चाउमीन। तो क्योंकि होता है बच्चों का तो चेंज खाने का मन होता ही है, जब हमारा ही होता है तो बस हमारा डिनर यही था। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।